तो जी गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं तेवा स्नातनम जे एंड के। और दोस्तों मैं पहुंच गई हूं जम्मू के तिरुपति बालाजी के मंदिर में। जी हाँ, मेरा बहुत ही मन था कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करूं मैं, तो फाइनली मैं आज आ गई हूं तिरुपति जी बालाजी के मंदिर में, जो कि जम्मू में है। बहुत ही विशाल मंदिर और बहुत ही अच्छा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि आज मैं दर्शन कर लूँगी भगवान जी के। तो चलिए गाइज मेरे साथ, मैं कराती हूँ आपको दर्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है गाइज, तो नहीं ले जाने देंगे। बाहर ही लिखा हुआ था कि फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं दर्शन करके आई, मतलब आपने भी दर्शन कर लिए। तो जी गाइज आइए करते हैं तिरुपति जी के दर्शन। वाओ गाइज आई एम रियली सो हैप्पी अंदर से मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ गाइज। और यहाँ पे ये स्तंभ देख रहे हैं आप, कितना प्यारा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोने का है, सोने का। तो जी गाइज फाइनली मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ और पंडित जी अंदर हैं। और पंडित जी ने मेरे को ये फ्लावर दिए हैं क्योंकि मैंने पूजा अर्चना करवाई थी अपने नाम से कि भगवान जी मुझे थोड़ा सा सक्सेस कर दीजिए और थोड़ी सी जगह दे दीजिए मेरे यूट्यूब के जो दोस्त हैं उनके दिलों में, कि वो मुझे पसंद करें, मुझसे प्यार करें और मेरा सपोर्ट करें। तो दिस इज़ फॉर यू गाइज, ये आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए जो आप मेरे को करते हैं सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच गाइज। और 2024 में आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लगा है ना मुझे, वो लगा है तिरुपति बालाजी का तिलक। ये देखिए, तिरुपति बालाजी तो अच्छे हैं ही, उनका तिलक देखिए। तो गाइज तिरुपति बालाजी मैं बहुत जल्दी आऊँगी आपके पास। जी हाँ, मेरी विशेष जो मैंने मांगी है वो कंप्लीट कर देना। आपने दिया है मुझे ये आशीर्वाद बाबा जी, जल्दी से मुझे कामयाबी दे दो। बाय तिरुपति बालाजी, बाय। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ के मुझे लेना है जम्मू में होटल। तो कैच यू सून। फाइनली 5 o'clock हो चुके हैं और मैं ले लिया है ये होटल। सो अभी अंदर जाएंगे, अभी लगेज वगैरह लेके आ रहे हैं। ये देखो मैं तानिया से बात कर रही हूँ, तानिया मुझसे गुस्सा हो गई है कि आप तो चले गए हो घूमने के लिए और आप यहाँ जम्मू में ले रहे हो मजे। तानिया मैं जल्दी आऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है, और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। मेरा मन था कि मैं जाऊं घूमने क्योंकि आई वाज बीइंग वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ माय एग्जाम्स एंड देन शी डिडंट टू। लेकिन तानिया तुमने ही टिकट कैंसिल कराई थी ना। लेकिन तुम्हारी मिस्टेक थी, तुमने कैंसिल कराई टिकट वंदे भारत की। मैंने तो किया नहीं, मैंने तुमको टिकट करी थी लेकिन तुमने मना कर दिया था, इसलिए टिकट कैंसिल करनी पड़ी। तुमने कहा था कि मैं नहीं आ रही हूँ छुट्टी, मेरा चंडीगढ़ में स्टडी है, तो इसलिए मैंने नहीं कर पाई। अभी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मुझे? गाइस तानिया मेरी मस्ती को देख के, मेरे होटल रूम को देख के एकदम से ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए।
मैं तो आ ही जाऊंगी ना जल्दी, इतनी भी जल्दी क्या है तानिया, फिर हम साथ में मजे करेंगे। डोंट बी सीरियस, डोंट बी सीरियस। जम्मू आ गई हूँ मानेसर झील देखने के बाद और बालाजी के टेंपल का दर्शन करने के बाद। होटल ले लिया है मैंने, फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। घड़ी में बजे हुए हैं 7 o'clock। अभी जा रहे हैं चाय कॉफी कुछ लेने के लिए और थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की। लेट्स सी, शॉपिंग का टाइम है, कुछ शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो भी सारी चीजें होंगी सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कम विद मी गाइस। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, सीरियसली बहुत सर्दी, लेकिन मैं नाइट में बनाने वाली हूँ। आप सोच रहे हो कि कशिश ने इस ड्रेस के नीचे ये क्यों पहना है, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, ठंड इतनी पड़ी हुई है ना गाइस कि मेरा जो ड्रेस है ना उसका स्टाइल खराब हो गया है। इस स्टाइल को बरकरार रखने के लिए मैं बनाऊंगी रील और आपको जरूर दिखाऊंगी अपना ड्रेस को। आइए मेरे साथ। और गाइज इतना दूर मार्केट में आने के बाद फाइनली मुझे ये शॉप मिल गई थी जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े दिखाई दिए। जी हाँ, मैं अट्रैक्ट हो गई और यहाँ से मैं ले रही हूँ ये जैकेट। और बिकॉज यू नो व्हाट कि कशिश को आर्मी की ड्रेसेस बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, तो बस मैं यहाँ पे अंकल मुझे दिखा रहे हैं और मैं परचेज करने के लिए जा रही हूँ उनको, और आप भी मुझे बताइएगा। तो मैं घर जाके आपको सारी चीज़ें और अच्छे से दिखाती हूँ गाइज। और दोस्तों, मेरी मम्मी ने मंगाई थी मुझसे पीतल की दुर्गा माँ की तस्वीर, तो यहाँ पे फाइनली मुझे मिल गई थी ये। जय माता दी। और गाइज ये है जम्मू का बहुत ही फेमस मंदिर। जी हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर है ये, तो इसके दर्शन करने के लिए हम मॉर्निंग में आएंगे। और गाइस फाइनली मैं यहाँ पे आ गई थी मार्केट ढूंढते ढूंढते, मतलब मुझे एक दुकान मिल गई थी जहाँ से मैंने ये थोड़ी सी शॉपिंग की है। जी गाइस फाइनली मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको शॉपिंग का सामान। आप भी बोलो कशिश क्या लेके आई है, लेकिन हाँ ये देखिए गाइस, हमारी इंडियन आर्मी की जैकेट कैसी लग रही है, पहन भी दिखाती हूँ। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, जय हिंद जय भारत। और गाइस इसके साथ में ये भी दिखाती हूँ, पूरा फेयर पहन के दिखाती हूँ, पूरा फेयर लेके आई थी मैं, ये देखिए। डन डन, यस, ये देखिए गाइस, आप भी सोच रहे होंगे ना कशिश ने किस चीज की शॉपिंग की है। जी हाँ गाइस, मैंने कुछ डिफरेंट की है शॉपिंग। लोग तो लेते हैं अपने लिए पता नहीं क्या क्या लेते हैं यार, लेकिन हर चीज हर जगह है, लेकिन जम्मू से ये वाली ड्रेस लेने का मजा ही अलग है। यस, अपने आर्मी को देख के ना मैं एक्साइटेड हो गई थी, और इतनी एक्साइटेड हो गई ना मेरे से रहा नहीं गया गाइस। फिर मैंने कहा चलो क्यों ना मैं भी आर्मी की तरह ही बन जाऊं। टिंग टिंग, और ये देखिए हमारा कैप। आ पूरा नहीं आ रहा गाइस, एक मिनट। तो कशिश बन चुकी है इंडियन आर्मी। जय हिंद जय भारत।
कैसी लग रही हूँ मैं? ला 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 ला, हर करम अपना करेंगे वतन तेरे लिए, दे दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, टन 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 टे, दे दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो गाइस कैसा लगा मेरे को मेरा आर्मी का आउटफिट, आपको मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, जरूर जरूर जरूर। चलिए गाइस और दिखाती हूँ क्या लेके आई हूं मैं। ये हो गया मेरा ये, और ये कुछ खाने का आइटम लेके आई हूँ होटल के लिए, होटल के अंदर के लिए कुछ नमकीन लेके आई हूँ अपने लिए, पीनट की आप देख सकते हैं, इसमें मिर्ची बहुत है, बहुत जम्मू की फेमस है, ये लेके आई मैं अपने रूम में, इसको खाऊंगी और चटकारे मारूंगी। एक नमकीन ये है, ये भी बहुत मिर्ची वाली है, एक्चुअली कटरा वगैरह में मिर्ची बहुत कम मिलती है, तो मैं मतलब मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ तो मुझे बहुत वो हो रही थी कि मैं मिर्ची खाऊं। एंड ये लाई हूँ गाइज मैं, आप देख सकते हैं एक ये एक स्टॉल जैसा है, ये देखिए ये मैं तानिया के लिए लाई हूँ, तानिया ने मंगाया था मुझसे, ये देखिए काफी अच्छा है ये, आप इसको ऐसे डाल सकते हैं। सो कैसा लग रहा है आपको, इसको भी बताइएगा कैसा लगा। अब मैं अपने लिए लाई हूँ, ये मैं शॉल लेके आई थी अपने लिए, स्टॉल है आप देख सकते हो इसको, स्टॉल को, और ये हम लोग जीन्स में भी डाल सकते हैं इसको, मेरे पास स्टॉल नहीं था, और अगर आप जम्मू आएंगे तो आप ये शॉल ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत से लोगों ने सूट लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन मैंने लिया ये अपने लिए एक स्टॉल, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर प्यारा था और इसकी जो वर्क है वो भी अच्छा लग रहा था। तो गाइज ये शॉल आपको, स्टॉल आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स करके बताना। तो अभी मैंने चाय कॉफी अपने लिए ऑर्डर कर दी है, बर्गर ऑर्डर कर दिए हैं और ब्रेड सैंडविच ऑर्डर कर दिया है, अभी मैं वो खाऊंगी क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोरों से भूख, डिनर मैं करूंगी अपना 10 बजे ऑर्डर, तो होटल से मेरा डिनर आ जाएगा, तो कैच यू सून गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलती हूँ अब आपको अपनी चाय के साथ। तो जी दोस्तों यहाँ पे चाय आ चुकी है मेरी, यू कैन सी, एंड यहाँ पे इतना सारा आइटम भी आ चुका है, बर्गर वगैरह आप देख सकते हो। तो चाय के साथ मैं कुछ नहीं लूँगी, चाय के साथ मैं ओनली ये लूँगी, तो गर्मा गर्म चाय पीजिएगा कशिश के साथ। वाओ गाइस अदरक वाली चाय, दिस इज फॉर यू गाइस, आइए और ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। जी गाइस खाना खा लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट मेरी, डिनर करके मैं रूम में आ गई हूँ अपने, और अभी मैं लूँगी रेस्ट बिकॉज़ मुझे करना है रेस्ट, मैं बहुत थक गई हूँ, एडिटिंग भी करनी है गाइस। सो अभी कशिश आपको न्यू वाले व्लॉग में दिखाई देगी, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, जितने भी न्यू विजिटर हैं सभी कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और सबके कमेंट्स का आंसर भी करूँगी मैं, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, गुड नाइट। ये देखिए मेरी टीवी चल रही है और मैं अब करूँगी एडिटिंग।